फादर ऑफ ऑल्बम, मदर ऑफ ऑल्बम, पूरी दुनिया में होड़ मची है एक दूसरे से ताकतवर बनने की। पहले सुना जाता था कि किसी देश में ये बम बन गया है, किसी देश ने ये बम बना लिया है, फिर सुनने में आने लगा कि भैया किसी ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, हाइड्रोजन बम बना लिया है, और अब जब इतना कुछ बना लिया था तो अब आया है मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है ये फादर ऑफ ऑल बम और क्या है ये मदर ऑफ ऑल बम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है, तो खबरों में निकल कर आ रहा है कि रूस अपने फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है। तब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है ये फादर ऑफ ऑल बम। तो चलिए देखते हैं। रूस के थर्मोबैरिक बम या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो है वो कहा जाता है। ये कोई परमाणु बम नहीं है, ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नहीं है। रूस द्वारा 2007 में विकसित इस बम के विस्फोट से इतनी ऊर्जा और इतनी गर्मी निकलती है कि यह लक्ष्य को भाप में बदल देता है। रूस ने इस बम को इसलिए भी तैयार किया था ताकि दुनिया को बता सके कि वो कितना ताकतवर है, जिससे कभी भी कोई भी देश रूस पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर कहा जाता है। शॉर्ट में यदि हम देखें तो इसको ATBIP जो है वो कहा जाता है। यदि हम ATBIP या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की बात करते हैं तो 7100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देता है, और यह एक ही बार में करीब 44 टन TNT की ताकत का धमाका कर सकता है। अब बात आती है कि TNT क्या होता है। TNT को यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता है ट्राइनाइट्रो टोलुइन। ये एक हल्का पीला और ठोस कार्बोनिक नाइट्रोजन यौगिक होता है जो मुख्य रूप से एक विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। मुझे कमेंट करके आप बताना कि विस्फोटक के रूप में किन किन पदार्थों का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है ये काम कैसे करता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब थर्मोबैरिक हथियार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे वैक्यूम बॉम्ब के नाम से जो है वो जाना जाता है। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब दुश्मन पर वार करने से पहले हवा में मौजूद ऑक्सीजन का बहुत अधिक लेवल पर जो है वो इस्तेमाल करता है, और इसका इस्तेमाल करने से ये और भी ज्यादा जो है वो शक्तिशाली बन जाता है और खुद को शक्तिशाली बनाकर जमीन से ऊपर ही इसका जो है वो धमाका करता है। इसका प्रभाव एक छोटे परमाणु बम की तरह होता है। जब यह बम फटता है तो ये बहुत अधिक तापमान और इससे जो है वो बहुत अधिक ऊर्जा जो है वो निकलती है। साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉक वेव भी निकलती है जो और अधिक जो तबाही लेकर आती है। इसलिए इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2017 में रूस ने सीरिया में थर्मोबैरिक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तो हमने यहां पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की जो है वो बात की। जब फादर की बात कर ली है तो आप बात करते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को बनाया अमेरिका ने। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के खिलाफ तैयार किया गया हथियार है। साल 2003 में अमेरिका ने फ्लोरिडा में इस बम का परीक्षण इराक युद्ध के शुरू होने से पहले किया था। इसका आधिकारिक नाम GBU-43/B मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट है। यह बम ताकत के मामले में रूस के बम से कहीं पीछे है। मदर ऑफ ऑल बम का वजन करीब 21,600 पाउंड मतलब कि 9,797 किलोग्राम है, और यह 9.18 मीटर लंबा है। यह 11 TNT के करीब ताकत से धमाका करता है। यह अपने धमाके की चपेट में 150 से 300 मीटर के इलाके को जो है वो ले लेता है और इस इलाके में तबाही मचा देता है। ये जमीन में बनी 200 फीट तक की गुफाओं को और 60 फीट तक के कंक्रीट को ध्वस्त कर सकता है मदर ऑफ ऑल बम। साल 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया था। अब जब हमने देख लिया है फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम को, तो अब बात आती है कि कौन है सबसे ज्यादा विध्वंसक, खतरनाक।
रूसी सेना के मुताबिक फादर ऑफ ऑल बम आकार में अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से छोटा है, लेकिन यह उससे दोगुना अधिक विनाशक है। दरअसल इससे मदर ऑफ ऑल बम की तुलना में बहुत अधिक ब्लास्ट होता है। अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था उसमें कितना विस्फोट होता है, तो 11 टन TNT ऊर्जा जो है वो उसमें उत्पन्न होती है। तो रूस का जो फादर ऑफ ऑल बम है, इसमें 44 टन TNT की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब लगभग 4 गुना यहाँ पर जो है वो ज्यादा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम के बारे में। यदि आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।